दोस्तों आज हम बात करेंगे महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रादेमस की। नॉस्ट्रादेमस जी का जन्म फ्रांस देश में सन 1503 में हुआ था। इन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सभी सच साबित हुई हैं। नॉस्ट्रादेमस जी ने सन 1555 में ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं को 1000 श्लोकों में लिखा था। 1000 श्लोकों को उन्होंने 10 शतकों में बांटा था, जिनमें से लगभग सभी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। नॉस्ट्रादेमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और अगर बच भी गया तो वो मौत ही मांगेगा। लेकिन नॉस्ट्रादेमस ने अपनी भविष्यवाणी में बहुत जगह पर ग्रेट शायरन के बारे में लिखा है कि सिर्फ शायरन ही तीसरा विश्व युद्ध रोक सकेगा। वो एक धार्मिक नेता होगा और उसे दुनिया का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि जितना आज तक किसी को भी नहीं हुआ है, और वो पूरे विश्व में अमन और शांति लाएगा। आइए जानते हैं नॉस्ट्रादेमस ने किसको दुनिया का ग्रेट शायरन बताया है। आखिर कौन है दुनिया का मुक्तिदाता? क्या नॉस्ट्रादेमस जी का इशारा मोदी जी की तरफ है? नहीं। क्या नॉस्ट्रादेमस जी का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ है? नहीं। तो फिर कौन है जिसके बारे में महान भविष्यवक्ता बार बार कह रहा है? ये भी नहीं है कि आज तक नॉस्ट्रादेमस जी की भविष्यवाणी झूठी साबित हुई हो। तो आइए जानते हैं कि किस महापुरुष की तरफ इशारा है। नॉस्ट्रादेमस जी कहते हैं कि जिस देश का नाम सागर पर है, उस देश के उस प्रांत में उस महापुरुष का जन्म होगा जहां 5 नदियां बहती हैं। मोदी जी के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी का जन्म गुजरात में है जहां 5 नदियां है ही नहीं। यदि ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ है, और वहां भी 5 नदियां नहीं बहती, इसलिए ट्रंप पर भी ये भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती है। नॉस्ट्रादेमस जी ने कहा है कि उस ग्रेट शायरन की माता जी 3 बहनें होंगी। मोदी जी व ट्रंप जी में से किसी की माता की 3 बहनें नहीं हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ भी फेल हो रहे हैं। नॉस्ट्रादेमस जी कहते हैं कि उस ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी। ये भी बात जाहिर है कि मोदी जी की कोई संतान नहीं है और ट्रंप जी की भी 5 संतानें हैं। तो कौन है वो महापुरुष जिस पर ये भविष्यवाणी सटीक बैठती है? नॉस्ट्रादेमस जी आगे कहते हैं कि वो ग्रेट शायरन एक धार्मिक नेता होगा जो दुनिया को एक नया ज्ञान बताएगा। यहाँ मोदी और ट्रंप दोनों ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये ना तो कोई धार्मिक नेता है और ना ही इन्होंने कोई नया ज्ञान बताया है। नॉस्ट्रादेमस जी लिखते हैं कि उस ग्रेट शायरन पर झूठा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। तो ये मुकदमा ना तो मोदी जी पर लगा है और ना ही ट्रंप पर। नॉस्ट्रादेमस जी ने लिखा है कि 5 नदियों के प्रख्यात प्रांत में एक धार्मिक नेता का उदय होगा जो शत्रु के उन्माद को यानी अहंकार को समाप्त करेगा, और कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। ये भी लाइनें इनमें से किसी पर भी सटीक नहीं बैठती, ना तो मोदी जी पर, नहीं ट्रंप पर। नॉस्ट्रादेमस ने कहा है कि निस्संदेह मेरी भविष्यवाणियों को अन्य धर्म नेताओं और राजनेताओं पर तर्क वितर्क करके देखेंगे, परंतु उसके अतिरिक्त कोई खरा नहीं उतरेगा। दोस्तों, इस वीडियो में ये तो साबित हो गया कि दुनिया का मुक्तिदाता मोदी जी या ट्रंप नहीं है, कोई और है। लेकिन कौन है वो ग्रेट शायरन जिस पर नॉस्ट्रादेमस की सभी लाइनें सटीक बैठती हैं? आप जरूर सोचें, अपने आसपास नजर दौड़ाएं कि कौन हो सकता है वो महान व्यक्ति। हमारी न्यूज टीम ने उस ग्रेट शायरन को पहचान लिया है जिसके बारे में नॉस्ट्रादेमस ने कहा है। ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।